हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैंने उठा लिया है फोन क्योंकि काफी नेक जो है वो बेटर है, 80% खत्म हो गया है, 20% थोड़ा सा भी है, लेकिन चेहरे पे कई स्वेलिंग है बिल्कुल सोच होकर दवाइयाँ खा खा के। इनकी भी स्वेलिंग थोड़ी कम है आज, काफ़ी बेटर है थोड़ा सा। तो कल तो इनका कल तक तो इनकी ज़बान भी नहीं खुल रही थी। मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था कल थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने वो स्क्रैप कर दी क्योंकि इनकी ज़बान ही नहीं खुल रही थी। ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट ही फुटेज निकला था। हाँ ठीक है, तो आज मैंने उठा लिया फोन कि आज कुछ ना कुछ तो निकालना है। सच में तो रात को सोए नहीं है, मैं रात को सोया नहीं हूँ। और क्योंकि जरा मुझे आराम दे रहे थे तो कल का ध्यान ये रख रहे थे मेरा खुद पति। तो अभी फिलहाल आप शक्ल वगल पे ना जाए, बड़ी अजीब हो रही है, बट कोई नहीं, आज तो ब्लॉग बनाना था तो मैंने बस आज इंशाल्लाह बनाना है। बहुत से आप सबके मैसेजेस आए, आपने बहुत सारी विशेस दी हम दोनों के लिए कि हम जल्दी ठीक हो जाएं, पेन ठीक हो जाए, उसका दांत का एक सेक्शन ठीक हो जाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और बाय द वे हम मंडे कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली आप सबको पता है कि जब से नाजा खाला और बेटी खाला अम्मा वगैरह सब आए हुए हैं तो बर्थडे पे हम लोग का बहुत जाने का प्लान था कि हम जाएंगे, लेकिन बर्थडे पे जैसे हमें विलास चाहिए थे वो नहीं मिल पाए बिकॉज क्योंकि सब उस टाइम वीकेंड था, आई थिंक बुक थे, वीकेंड था, बुक थे, और जहाँ जो मिल रहे थे तो उसमें ज़्यादा लोग अलाउड नहीं थे, कहीं पेट्स अलाउड नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो फाइनली अभी मैं मंडे को इन सबको लेके हम लोग जा रहे हैं विला, फिर से लोनावला एज यूजुअल हम लोग, और वहाँ पर ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं और मज़े करने वाले हैं। और एक चीज़ वो ये क्या कि मैंने अपने नए गैजेट्स ऑर्डर किए हैं। एक्चुअली क्या है, देखो अभी के काफ़ी वक्त हो गया है YouTube चैनल को, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, और आप सबका इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि मतलब बता नहीं सकते, काबिल तारीफ है, शुक्रिया उसके लिए। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि अपने ब्लॉगिंग को थोड़ा सा एक नॉच ऊपर लेके जाया जाए क्वालिटी वाइज, हर चीज़ वाइज। तो मैंने एक नया कैमरा जो है वो ऑर्डर किया है, और वो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है, मतलब बिल्कुल सिनेमेटिक कैमरा है। तो वो अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो आज आने वाला है, तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा और फिर देखते हैं कि हमारा पूरा दिन कैसा निकलता है। और मैंने इनके लिए गिफ्ट ऑर्डर किया है, मैं उसके लिए वेट ही कर रही हूँ, वो अभी तक डिस्पैच भी नहीं हुआ है। डिस्पैच वो अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। और वो पहली बार मेरे पेट में सरप्राइज नहीं पचा क्योंकि वो बहुत समय ले गया था, तो मैंने इनको बता दिया है वो क्या, इन्होंने बता दिया है वो क्या गिफ्ट है, वो मैं आपको लेकिन दिखाऊंगा जब मेरे पास आएगा, मैं ये बताऊंगा नहीं, वो आपको दिखाऊंगा, उसको टाइम है, 20-25 दिन है अभी ना, 10-15 दिन है उसको आने में। तो कोई नहीं, कैसे खा रही हो? क्या करूँ, पिछले 3 दिनों में खाने के तरीके ही बदल गए अभी कैसे। एक तो सबसे बड़ी बात, लोगों को शायद बहुत एक्साइटमेंट होगी, दांत का कुछ भी करवाने के बाद आप बहुत सारी आइसक्रीम खा सकते हो। मुझे आइसक्रीम इतनी भी पसंद है ओकेजनली कभी, लेकिन कोई मुझे मीठे में चॉइस दे तो आइसक्रीम मेरी आखिरी चॉइस होती है। इनको पसंद है, ये टब के टब खा जाते हैं। अभी क्या खा रही हो? अभी चाय और बनमस का चाय मैं इसमें लेती हूँ क्योंकि पूरी ठंडी करके पीनी है, गर्म नहीं पी सकते, तो वो ब्रेड डुबो के पूरा ऐसा मैश करके चटनी बना के फिर अभी बची हुई चाय पी रही हूँ। अरे कल अम्मी ऊपर मुझसे गप्पे मारने आई खिचड़ी देने, अम्मी मुझे मजे मजे की बातें भी बताई जा रही है, खुद भी हंसे जा रही है, मैं हंस कहती हूँ हंसो मन हंसो मन, और खुद भी हंस दांत ठीक हुए नहीं। देखो एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीच में 2-3 घंटे बीत चुके हैं, वरना आप बोल रहे हो कि मैं खाती रहती हूँ, बीच में 2-3 घंटे हो गए, मैंने जब आपको पकड़ के उनका कवर क्लीन करवा लिया, अभी उसके बाद मुझे इतनी चक्कर आ गए कि मैं मेरे पहले थोड़ा कुछ खा लूं। और ये मैंने शोएब को बोला था कि देखो 2 दिन मैंने सिर्फ खिचड़ी खिचड़ी सूख सूख खाया है, मैं शोएब को उसी दिन बोला था जिस दिन मैं खाने लगूंगी मैं सबसे पहले सैंडविच खाऊं। एक्चुअली इसका अभी एक नया खाने का है कोई जगह है, क्या नाम ये इंस्टा बिच, यहाँ की इसको सैंडविचेस बहुत पसंद है, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, आई होप। नहीं नहीं आपके यूट्यूब के दिन यही था जो सबको बहुत पसंद आया था। हाँ सबको बहुत पसंद आया था, तो इसको ये बहुत आजकल वो चढ़ा है कि जब भी इसको सैंडविच खानी होती है यहीं से मंगाना है। तो ये देखो तबीयत ठीक हुई नहीं है और ये शुरू हो गई मैडम। क्यों भाई मना कर रहे हैं, मत करो कुकिंग, छुट्टी पे जा रहे हैं ना? जो छुट्टी पे जा रहे हैं ठीक है, लेकिन कुकिंग करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ तो छुट्टी पे जा रहे हैं ठीक है, लेकिन कुकिंग मत करो ना यार। देखो वहाँ पे जब अम्मी खाला अम्मा सबा सब लोग गप्पे मारते मारते मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें खाते चटर मटर ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये इनकी प्रॉब्लम है,
बैठने जाते हैं, इसे कुछ ना कुछ बनाती रहेंगी और मना कर रहे हैं, अम्मी मना कर रही है इस बार कुछ मत बनाओ, लेकिन तब भी सोचो कल मैं पूरा दिन सोई हूँ, सोए वैसा कभी होता है पूरा दिन? आपने देखा ना अम्मी बात करनी आई, मैंने बात की, फिर मैं उधर ही बेड पे सो गई, पूरा दिन सोई ना मैं। तो और आराम करो, अभी अभी नहीं होता आराम, बस हो गया प्लीज, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। मना वैसे क्या बना रही हो? अरे बता दूंगी तो अम्मी और देख रहेंगे ना। अच्छा ठीक है, देखो ये देख के तो समझ जाएंगे, बेसन के लड्डू बना रही हूँ, लेकिन और भी कुछ 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 टटर मटर वाली चीजें बनाऊंगी, बाकी तो वहाँ पे कुक भी होंगे, लेकिन ये जो रखा रहता है ना, वो लोग मस्त गप्पे मारते मारते मौसम का मजा लेते लेते चिटपट खाते रहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने नहा लिया है और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है, वो भी आ गया है और अब हम उसको अनबॉक्स करेंगे हम दोनों साथ में मिलके। क्या बोलती हो? हाँ तो चलो अभी अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ, सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए आपको कोई बड़े ऐसे कैमरे की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप केपेबल हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन जो नए लोग हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अच्छा कैमरा होगा, अच्छा फोन होगा तो ही ब्लॉगिंग होगी। वो शिद्दत होनी चाहिए दिल में, वो एक मन में एक वो होना चाहिए ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि मैं अपग्रेड कर सकता हूँ और मुझे अब एक, जैसे मैंने पहले बोला कि एक लेवल थोड़ा ऊपर जाना है, और सिर्फ मैं आगे भी सिर्फ ब्लॉगिंग ही तो नहीं करता रहूंगा, मतलब जो ब्लॉगिंग चलती है वो तो रहेगी, उसके साथ भी मैं हम लोग कुछ और प्लान करेंगे। जैसे आप लोग भी, कई लोग बोलते रहते हैं कि खुद का कुछ चीज शुरू करो, डेफिनेटली हम लोगों की प्लान है कि हम कुछ ना कुछ शुरू करेंगे। तो आगे मैं कैमरा अपग्रेड करूं कुछ वक्त के बाद, उससे बेटर है कि मैं अभी जब ले ही रहा था, एक प्लान था कि नहीं मुझे कैमरा अपग्रेड करना है, क्वालिटी अपग्रेड करनी है, तो मैंने कहा चलो अभी मंगाते हैं और ये आया है। चलिए खोलिए। हाँ ये है कैमरा और ये क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, कार्ड रीडर वगैरह सब कुछ है, ये केबल है, ये देखते हैं क्या, ये सब निकाल के रखते हैं फिर देखते हैं, ये बिल है, इसको रख लो संभाल के, पहले क्या शुरू करें जो अच्छा हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैमरा। तो गाइज ये जो मैंने कैमरा ऑर्डर किया है वो है सोनी का FX3 सिनेमा लाइन कैमरा। यस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बिल्कुल, इससे अगर मान लो आगे हम कुछ भी शूट करते हैं, लाइक कुछ शॉर्ट फिल्म हम शूट करते हैं या कुछ भी शूट करने की कोशिश करते हैं, सपोज तुम सॉन्ग ही शूट करते हैं, तो हम इससे भी शूट कर सकते हैं और हमें फिर कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये वारंटी कार्ड है इसका, मैनुअल्स है, ये केबल है, हाँ ये बात देखते हैं। ये है इसका चार्जर एंड ये है ये है कैमरा, सोनी FX3 कैमरा। ये कितना खुश हो गए। तो ये है कैमरा और इसके साथ जो है वो मैंने लेंस ऑर्डर किया है सोनी का 1635 GM लेंस, बट वो अभी आया नहीं है क्योंकि मैंने बहुत लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें ऑर्डर की हैं। तो हर्षित रिलायबल स्टोर, मैंने लास्ट टाइम जब मैंने गिम्बल लिया था मैंने बोला था हर्षित की शॉप है रिलायबल स्टोर टाउन में, अगर आप जा सकते हैं तो जाइए। तो हर्षित ने मुझे अपने तरफ से एक लेंस अभी जो है वो यूज करने के लिए दिया है कैमरॉन का 1728 के। आप अभी मंडे को विला जा रहे हैं तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए, जब तक आप ये यूज करो, जब आपका लेंस आ जाएगा तो फिर आप ये मुझे वापस कर देना। तो हर्षित थैंक यू सो मच भाई इसके लिए। ये हो गया मेरा, जब मैं वहां से मिला से वापस आ जाऊंगा तो उसके बाद मुझे मेरा लेंस सोनी वाला मिलेगा, वो आएगा। वो क्या है वो बताता हूँ मैं, वो ये हाँ अरे हाँ। और ये तो बेसिकली कैमरे के साथ में आता है कि ये जो है इसका हैंडल और यहाँ पे साउंड, आप यहाँ पे सारे उसके लेवल्स हैं तो अपने हिसाब से आप साउंड सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिनेमा लाइन कैमरा है तो यहाँ पे आप प्रॉपर वो माइक ऐसे नहीं पकड़ते जैसे हम नॉर्मल नहीं, इसको आप क्या करते हो, नहीं वैसे भी पकड़ सकते हो, इसको आप हटा दो तो आप ऐसे पकड़ सकते हो, वरना आप इसको यहाँ पे तो हटाना पड़ेगा उधर, ये आप ऐसे इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है लेंस लगा के। तो आपको, और प्लस सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे पास फ्यूजी में नहीं था, फ्यूजी बोल रहा हूँ, जो मेरे पास फ्यूजी में नहीं था ये कि आप सेल्फी में अगर गोरिल्ला पॉड पे लगा के जाओ तो आपको स्क्रीन दिखेगा, स्क्रीन ये नहीं है तो यहाँ भी तो लगेगा ट्राईपॉड,
अगर आपको नहीं, अगर आपको ये नहीं चाहिए आप यहाँ ट्राइपॉड लगा के आप व्लॉगिंग कर सकते हो ऐसे। ये तो अंकित मोस्टली यूज करेगा ना ये, और इसके लिए तो हमारे जो अंकित है वो भी इतने एक्साइटेड होते हैं ना, तो उसके लिए इन्होंने ये मंगाया है। तो ये बेसिकली इसने ये मंगाया है स्क्रीन, बेसिकली ये आएगा ऊपर यहाँ माउंट होगा, तो ये आपका पूरा एक सेटअप हो गया एक, क्योंकि ये सिनेमा लाइन कैमरा है, आप इसकी क्वालिटी देखोगे आपको समझ में आएगा। और अब हम इससे हम तो नहीं शूट कर पाएंगे, अब हम इससे मस्त से ब्लॉगिंग बनाएंगे, रिहान रील्स बनाया करेंगे, और फिर आगे कुछ सोचा है उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपने शॉर्टलिस्ट की है जाके रील बनाने के लिए, तुझे बहुत रिहर्सल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंजन हमने ऑर्डर किया है क्योंकि अभी ये भी धीरे धीरे गैजेट जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। कैमरा है, स्टिक है, ये लो अब हम लगाते हैं इसमें लेंस। एक मिनट, इधर लाओ। कार में ट्रैवल करने से याद आया, अंकित पिछली बार तू बीच में रुका था वड़ा पाव खरीदने के लिए, इस बार अगर तू रुका और तूने मेरे लिए नहीं लिया ना, मैं मारूंगी पकड़ के। तो ये एक इसकी एक्स्ट्रा बैटरी जो है वो मैंने मंगवाई है, क्योंकि आप जब ब्लॉगिंग करते हो बैटरी चली गई तो फिर आप अटक जाते हो बीच में। कार्ड 160 GB, ये मेरा हो गया है सेटअप रेडी। और अब इंशाल्लाह जो कल भी मैं जा रहा हूँ कहीं पे, वो आपको मैं कल ही बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ मैं कल ही बताऊंगा मैं, परसों इंशाल्लाह विला वाले व्लॉग आपको इसमें देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। यस, और उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम सब बिजी हुए कैमरे के साथ बेसिक फंक्शन सीखने में, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप वो करिए, लेकिन सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी हिफाजत करिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।